गले में हाथ डालते डालते यूं घूमते घामते अरे मेरा ये कहाँ गया अरे मेरा ये यू <laughs> नो you know, ऐसे एंड यू नॉट कम टू नो इतनी हाथ की सफाई <clears throat> वक्त हमारा है सो देन शी यूज टू गिव मी दैट कोल्ड ट्रीटमेंट एंड आई वाज लाइक ओके वट दिव्या के बारे में क्या बोलूँ शी इज गॉन टू सून लाइक यू नो वेरी टैलेंटेड वेरी वेरी टैलेंटेड एंड प्री वेरी प्रिटी या या मेरे फ्रेंड्स बोलते हाय तेरे बच्चे नहीं है तू बहुत लकी है हम तो बैठे मजे मारते थे अच्छा कोई ना आए नहीं ओके चलो पत्ते खेलते हैं <laughs> जब आएंगे बता देना हम तो रेडी हैं हेलो एवरीवन दिस इज मी नंदिनी रॉय यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड ठिकाना ऑन आर एक्सक्लूसिव शो ऑटोबायोग्राफी ओनली ऑन ठिकाना वेल आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत खास है बहुत स्पेशल हैं क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री में 40 साल पूरे किए हैं और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने कॉमेडी को एक यू you नो know, कह सकते हैं सरताज से सजाया है क्योंकि इन्होंने 90s और 80s के बेहतरीन सुपरहिट फिल्मों में अपनी कॉमेडी का तड़का लगाया है और कह सकते हैं कि कॉमेडी अपने आप में मेल uh, ओरिएंटेड रहा है कहीं ना कहीं लेकिन इन्होंने उसको भी तोड़ दिया अपने बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग से और कॉमेडी के अपने उस अलग अंदाज से वेल well, इन्होंने सुपरहिट फिल्म जैसे कि शोला और शबनम खिलाड़ी ऐसे कई सारी सुपरहिट फिल्म हैं जिनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और चलिए उनका हम अब अच्छे से वेलकम करते हैं वेल प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली गुड डी माई थैंक यू एम सो यू Well, सबसे पहले तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि परब <laughs> ताहिरा ताहिरा गुड्डी मारुति हुई मेरे स्कूल का नाम है uh, डैडी का नाम था मारुति परब जी सो सर नेम ईरानी है अच्छा सो दिस पर्शियन नेम ताहिरा तो वो स्कूल में था हुँ. फिर जब मैंने फिल्म्स ज्वाइन किया एंड मनमोहन देसाई जी की फिल्म कर रही थी नसीब तो Uh, Ma मनमोहन uh, जी को पूछा मम्मी ने तभी मेरे डैडी की डेथ हो गई थी कि नाम क्या रखे तो मेरा पेट नेम गुड्डी था okay. मेरा भी गुड्डी अच्छा? <laughs> <Okay, good. Okay. laughs> तो था तो मनमोहन जी ने बोला कि गुड्डी अच्छा है तो बोले गुडी गुड्डी तो बोले एक काम करो ना गुड्डी मारुति गुड्डी मारुति जी की लड़की बिकॉज डैड वॉज ऑल्सो इनफ्ल तो रेफरेंस के हिसाब से मेरा नाम पड़ा गुड्डी पेट नेम था और मारुति डैड का नाम जी सो so ऐसे गुड्डी मारुति पड़ गया नाम <laughs> उससे आप फेमस हो गई गुड्डी मारुति आई थिंक इट्स अ लवली नेम एंड थैंक यू या सो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी शुरुआत जो है कहाँ से रही है आप कहाँ की हैं आपका बैकग्राउंड क्या है फैमिली बैकग्राउंड मैं मुंबई मैं बॉम्बे की हूँ बॉर्न बॉट अप मुंबई एंड पैदाइश मतलब बांद्रा प्रॉपर बांद्रा ओके सो यू कैन से आई एम अ बांद्राइट

कि uh, किस्मत से नसीब से बिकॉज आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड कि मेरे को फिल्मों में काम करना है क्योंकि जब आप मैं स्कूल में थी तो मुझे लगता था है मुझे एक होस्टेस बनना है मुझे दुनिया घूमनी है मुझे फ़्लाई करना है एंड देन आई वॉज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट ऑल्सो तो मैं क्रिकेट भी खेल खेलना शुरू किया था सी क्लब जाती थी रोज सुबह एंड प्रॉपर जिसको कहते ना वेमेंस क्रिकेट टीम बट okay. वो थोड़े दिन ही हुआ बिकॉज फिर मैं फिल्म में आ गई बिकॉज yeah. uh, प्रीति गांगुली अशोक कुमार जी की लड़की शी लॉस्ट वेट तो वो जब वेट उन्होंने लूज किया तो एक गैप बन, एक वैक्यूम वा, वा, सा गैप बन गया कि अब मोटी लड़की का रोल कौन करेगा यू नो सो हमारे हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं चंदर सदाना उनकी एक फिल्म बन रही थी सौ दिन सास के सो हाँ। so, सौ दिन सास के पिक्चर कंप्लीट थी बट गाना और कुछ सीन्स रह गए थे कॉमेडी के हाँ। जो दिवेन वर्मा एंड प्रीति गांगुली के साथ होना था हाँ। बट uh, और उसमें एक गाना था मोटी पल्ले पै गई अच्छा तो जब uh, प्रीति गंगुली लॉस्ट वेट हाँ। तो अब ना वो मोटी रही तो वो गाना बेकार हो जाता <laughs> तो दे हैड टू फाइंड हर प्लेसमेंट सो सबने बोला किसको ले किसको ले तो फिर फैमिली फ्रेंड थे तो बोले अरे गुड्डी है ना अपनी तो जी हाँ मारुति जी की बेटी तो बोले अच्छा मैंने तो आई वॉज स्टिल इन स्कूल ठीक है तो उससे पहले मैंने एक जान हासिल की थी विजय आनंद जी की देवानंद जी इज ब्रदर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट नॉट अ चाइल्ड आर्टिस्ट यू कैन से दैट हट्टी कट्टी थी लंबी चौड़ी इन स्टैंडर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड तो दिवाली की छुट्टियों में एक वो छोटा सा किया था तो इनको इधर उधर से आइडिया आ गया चंद्र अंकल को कि अपनी गुड्डी है ना तो फिर आई रिमेंबर स्टिल एसएल स्टूडियो चेंबूर आई हैड टू गो एंड तो जो डायरेक्टर थे तो उन्होंने कहा चंद्र चं, जी, जी मतलब चंद्र अंकल्स ब्रदर उन्होंने कहा कि डायलॉग बोल के दिखाओ और मैं तो एकदम न्यू न्यू टाइप्स थी ना तो कुछ ज़्यादा नहीं मुझे कुछ हमारे स्कूल के ड्रामा का कुछ याद था वहाँ में कुछ एक डाय मतलब एक विच सी बनी थी तो उसके कुछ डायलॉग बोल दी बोले ओके डन डन हो गया चलो तो दैट्स हाउ ए डेट सो दिन सा

तो फिर जब डैड ने देखी वो फिल्म बोले तुम मेरी लड़की हो और अगर तुमको काम करना है तो मैं मन में ही सोचूं मुझे तो काम नहीं करना है ज़बरदस्ती मुझे खड़ा करा दिया है तो अगर तुमको करना you है know, like तो तुमको यू नो यू हैव टू थिंक लाइक अ कॉमेडियन यू तो उन्होंने खूब लेक्चर दिया सो दैट्स वेन ही क्रिटिसाइज यू सिंह यू आर सो एक्सप्रेशनलेस एंड ये वो ब्ला ब्ला फिर उसके बाद ये हाँ. ये मिली मुझे सौ दिन सास के yeah. तो उसमें भी थोड़ी डफर ही थी बट ठीक <laughs> है सीख लिया थोड़ा और फिर उसके बाद आस्ते आस्ते नसीब एंड uh, बहुत सारी पिक्चरें एक साथ ही आने लगी यू you नो know, uh, सनम तेरी कसम एंड ऑल दीज फिल्म वर टुगेदर बेजुबान तो हर फिल्म में बाई लक ऊपर वाले की मेरा आई गॉट टू लर्न वॉट इज एक्टिंग पर कभी आपको आपके डैड से कंपेयर नहीं किया गया क्योंकि वो तो एक बहुत ही अच्छे बड़े हाँ कॉमेडियन हाँ कॉमेडियन थे बट नहीं उनका फोटे अलग ही था एंड दिस वॉज लाइक यू नो कॉमेडियन गर्ल एंड कॉलेज यू नो फ्रेंड वो हमेशा वो कैटेगरी में आती थी मैं सो दैट वॉज डैड वॉज ऑलवेज हाँ बट डैड से भाई मेरा नाम नहीं डुबाना यू नो बिल्कुल नहीं डुबा सो थैंक गॉड थैंक गॉड तो वो वो एक बात दादी बोलते थे अब, फिर जब फिर दा, डैडी की डेथ हो गई जब सोनम तेरी कसम मिली थी कर रही हाँ. थी फिर तो जिसको कहते हैं ना मजबूरन अच्छा. काम करना ही है अभी मुझे बिकॉज फैमिली को सपोर्ट करना एंड स्टफ तो दैट वे देन आई सेड अभी यही करना है तो थोड़ा इसमें भी हैं I have uh, two sisters. I had a brother. He's no more. Okay. So, so uh, हाँ, that's okay. So, <laughs> तो Uh, मतलब ये है कि सिस्टर्स हैं एंड मॉम है तो डैड भी तो है नहीं दैट वे तो देन काम करना पड़ा स्लोली 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 फिर तो मज़ा नहीं लगा yeah. क्योंकि भाई यहाँ तो इतना अच्छा इज्जत और सब जो तब के हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे ना yeah. तो सब हमारे अंकल्स जैसे थे ना बिकॉज दे न्यू डैड एंड सो आई वॉज दैट कम्फर्ट लेवल वॉज देर प्रोटेक्टिव येस so so then 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 I I started enjoying and 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 was getting my bread butter and jam yeah you हाँ भी you know hmm. everything and you get the money also yeah. and so then, चलता रहा, hmm. so, जब आप इतनी ग्लैमरसली uh, काम कर रही थी इतने सारे ग्लैमर गर्ल्स के साथ एक्ट्रेसेज उस जमाने में बहुत ही खूबसूरत होती थी ये नहीं कि आज नहीं है तब भी है लेकिन कभी हाँ. आपको ऐसा लगा नहीं क्योंकि of course you're very beautiful. <laughs>

ने, मुझे जो आई वॉज डूइंग फिल्म विद रेखा जी सो रेखा से ढाई तुम कितनी प्रिटी हो यू नो हाउ शी टॉक्स यहाँ तुम कितनी प्रिटी हो तुम वजन वेट लूज करके क्यों नहीं लाइक यू नो हीरोइन बन जाती so, yeah. मैं weight, तो मैं बोला रेखा जी द पॉइंट इज दैट प्रीति गंगुली लॉस्ट वेट तो मैं इसलिए यहाँ हूँ आई ना आई नीडेड द वर्क लाइक यू नो आई हैड टू वर्क सो है पता चला मैंने वेट लूज किया और मैं ना इधर की ना उधर की धोबी का कुत्ता बन के रह जाऊंगी <laughs> तो ऐसे नो आई एम हैप्पी विथ माई स्पेस बिकॉज ऐसा है कि कभी कभी आपको ये लगता है ना कि भाई हाँ आर फाइनेंशियली सिक्योर एंड स्टाफ फिर एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ बट दैट टाइम आई हैड नीडेड द वर्क एंड बट आई एम हैप्पी

Ah. आपने क्लोजली काम किया है तो नहीं क्या नहीं मिस्टीरियस नहीं, नहीं, नहीं है आई गेस शी कीप्स अ पर्सनल लाइफ लिटिल मोर क्लोज बट ऑन सेट एंड ऑल शी इज ऑल शी इज लाइक फ्रेंडली शी इज फन या दैट्स कॉमेडी एंड एवरीथिंग शी इज लाइक रियली फन या सो आई स्टिल रियली लाइक हर एंड ऑफ कोर्स गेट अलोंग विद हर एंड ऑल तो अच्छा रहता था उनके साथ तो खाली पर्सनल लाइफ में आई गेस शी इज नॉट वेरी ओपन यू सो so, इसके बाद फिर जब आपको आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी फिल्म जो आपने तही दिल से इंजॉय किया हो? जो बहुत इंजॉय सी फर्स्ट ऑफ ऑल सब फिल्में इंजॉय की बिकॉज सब में यूनिट इतना अच्छा होता था और hmm. तभी एक बहुत क्लोज क्लोजनेट सब होता था इवन द यूनिट एंड द प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर्स एंड बट आई थिंक शोला शबनम आखें ऑल दीज फिल्म लाइक यू नो वो वो बहुत फन पिक्चरें होती थी हमारी बहुत मज़े किए हम लोग ने शोला और शबनम में तो बहुत की शोला और शबनम के बारे में थोड़ी बात हो जाए और से <laughs> <थी। laughs> तो शोला और शब्नम में दिव्या भारती जी थी या yeah, या yeah, yeah. so उनके बारे में कुछ बताइए दिव्या के बारे में क्या बोलूँ शी इज गॉन टू सोन लाइक यू नो वेरी टैलेंटेड वेरी वेरी टैलेंटेड एंडी वेरी प्रिटी एंड बहुत हमारा बहुत अच्छे से वीज टू जेल बट uh, uh, यही दुख होता है कि यार इट्स वॉज लाइक यू नो इतनी जल्दी उसको नहीं जाना चाहिए था एंड uh, बहुत मस्ती खोर थी बहुत ज़्यादा तो बस शोला शबनम यही हम लोग मस्तियाँ करते रहते थे कोई ऐसी मस्ती याद हो आपको जो आपने अरे के साथ की हो। बहुत सारी उस मतलब आई डोंट रिमेम्बर एज बिकॉज ऑल द टाइम मस्ती चलती थी हमारी यू you नो know?

कॉमेडियन गर्ल एंड मेरे हीरोइनों के साथ ज्यादा नहीं बनती थी अच्छा ये सब हीरो लोग के साथ बैठे हैं मस्ती मार रहे हैं बकवास कर रहे हैं भंकस कर रहे हैं जोक्स मार रहे हैं नॉन वेज जोक्स मार रहे हैं तो ये हीरोइने सब अपनी अलग अलग बैठी रहती थी एंड विद अक्षय तो ही सो ही वॉज सो नोटी वेरी नोटी तो उसके साथ बहुत अच्छी बनती थी

सो so, yeah. तो आई न्यू के हाँ भाई ही इज़ गुड तो uh, जैसे सेट पे आपका जिंदगी में जैसे अप्स एंड डाउन होती है वैसे फिल्म के सेट पे भी उतार चढ़ाव आती है ट्रेजिडीज होते हैं कोई घटना घटती है कोई ऐसी घटना hmm. को आपको याद है किसी फिल्म के सेट पर हुई हो कि <coughs> मतलब दिल दहला दे वाला आज तक आपको याद हो इन देंस लाइक वॉट इन देंस एनी थिंग विच 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 वॉज ट्रेजिडी ट्रेजिडी तो यही थी कि भाई दिव्या भारती जब बिकॉज एक रात पहले हम लोग सब मिले थे माई बर्थ डे फोर्थ ऑफ अप्रैल और एक रात हम सब मिले थे उसमें साजिद नडियाल वाला गोविंदा वी आर हैविंग डिनर टुगेदर यू नो ऑल दिव्या एंड आई थिंक ये फिफ्थ की रात को या फिफ्थ की रात सिक्स मॉर्निंग को ये इंसिडेंट हुआ दिव्या का तो वो एक ट्रेजिडी आप बोल सकते हैं कि बिकॉज आई रिम्बर आई वॉज ट्रैवलिंग टू कुल्लू मनाली फिफ्थ सिक्स मॉर्निंग जी तो रतन जैन जी है ना अच्छा तब तक मुझे नहीं पता था कि ये हुआ है तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो so, बोले पता है तो वो ही मेट मी ऑन द फ्लाइट अच्छा क्या रतन जी तो so, बोले कि दिव्या अच्छा हाँ हम लोग साथ में तो थे कल रात को मतलब फोर्थ नाइट फिफ्थ मॉर्निंग बोले न शी इज नो शी इज़ एक्साइड तो मेरे को तो ऐसे शॉक जैसा लगा है कुड नॉट बिलीव इट फिर दिल्ली लैंड करते ही है कॉल्ड अप एंड आई फाउंड आउट तो बोली यस yes, ऐसा 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 हुआ तो वो एक यू कैन से ट्रेजिडी अदरवाइज हमारी फिल्मों के सेट पे एंड ऑल बहुत हम लोग यू नो वी टू ऑलवेज हैव लॉट ऑफ फन आई थिंक पहले के ज़माने में आई <coughs> थिंक काम करना वॉज मोर प्रोटेक्टिव एंड होमली या यू कैन से दैट

जितनी भी कॉमेडी करते थे आई थिंक कादिर खान और असरानी जी और दिनेश hmm. जी ये सब यू नो कॉमेडी का कमान संभालते थे लेकिन आप आपने कुछ अलग कर दिखाया बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट आपने uh, कॉमेडी में बहुत बड़ा नाम बनाया है तो क्या ये बहुत चैलेंजिंग था आपके लिए या इजली हो गया आई डोंट नो आई टेल यू मैं ऐसी हूँ ना कि आई जस्ट फ्लो विद विद द आई गो फ्लो तो जैसे अपने आप मैंने बोला ना आई केम इन द इंडस्ट्री बस ऊपर वाले की मेहरबानी एंड दिस किस्मत किस्मत की बात है कि पता नहीं आते आते आ गई अच्छा ठीक है चलो तो ऐसे आते गए पिक्चरें करती गई एंड uh, पहले क्या होता था ना रोल लिखे जाते थे कि एक मेल कॉमेडियन है तो एक फीमेल कॉमेडियन एंड साजन में एंड एंड दिस दैट मैनी मूवीज आई डेड तो एक रोल लिखा जाता था yeah. फिर स्लोली स्लोली ऑल द हीरो स्टार्ट डूंगी तो यू नो दैट मेल मेल कॉमेडियन का भी पत्ता कटा तो yeah. फिर uh, ये फीमेल का भी इतना वो एक एक साइड ट्रैक नहीं चलने लगा पहले एक साइड ट्रैक होता था कॉमेडियन एंड फीमेल मेल ऐसा सो दैट वे सो आपको आ, कभी भी आ, ऐसा लगा कि कहीं कही ना कहीं अब क्योंकि अब हीरोज कर रहे हैं कॉमेडी तो कहीं कही ना कहीं आप शायद साइडलाइन हो जाएं आ, तो चल सी समथिंग और दी अदर गोज ऑन ओनली तो हीरो जब कर रहे थे तो जो मेल कॉमेडियंस हैं उनको शायद ज़्यादा फर्क पड़ा होगा बट आई हैड दैट लिटिल स्पेस दैट फैट गर्ल तो अगर कॉलेज के वो सब सीन्स हो सीक्वेंस होते थे, थे तो हीरोइन की फ्रेंड ये yeah. वो वो तो चलता ही था सर अच्छा कभी आपको ऐसा लगा कि क्योंकि क्या होता है मैंने काफ़ी सुना है देखा है लिखा है yeah. लोगों ने कि सेट पे एक एक सिस्टम होता है जहाँ पे जो uh, है, उनको अलग ट्रीटमेंट देते हैं जूनियर आर्टिस्ट को अलग देते हैं अलग बैठ के खाना खा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने हाँ। कि, आपने कभी फेस किया बट no, हाँ पहले एक अलग रहता था कि भाई एक्टर्स अलग अपना you know, में या खाना खा रहे हैं या uh, जो जूनियर आर्टिस्ट हैं वो अलग तो आई थिंक uh, तभी वो होता था बट अभी भी आम, जैसे हमारे कैमरा डिपार्टमेंट हैं या कुछ हैं उनका एक अलग जगह लग जाता था असिस्टेंट्स hmm. का अलग जगह yeah. तो वो पहले ऐसा बट आई डू नॉट एक्सपीरियंस एनी थिंग दैट नहीं किसी किसी हीरोइन ने आपको टैंट्रम दिखाया हो किसी ने जीरो you know, कभी डिनाउंस करने की कोशिश की हो ऐसा कभी फील हुआ क्योंकि

यही बात है ना कि जर्नलिस्ट को बोलो कुछ वो लिखते कुछ हैं hmm. तो मैंने बोला कुछ होगा उसने लिखा कुछ होगा तो ममता को ममता खुल कर नहीं सो वी वर डूइंग साजिद नडियाड वाला फिल्म वक्त हमारा है सो देन शी यूज टू गिव मी दैट कोल्ड ट्रीटमेंट एंड आई वाज लाइक ओके वट सो बिकॉज उसने मैंने बोला कुछ होगा या प्रिंट कुछ हुआ होगा आई सेट वाई शी बिहेविंग लाइक दैट तो बट इट वॉज सो

थोड़ा कोल्ड वॉर चला था कुछ के लिए। थोड़ा सा कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं आपके जहन में जो कॉमेडी बहुत अच्छा कर सकती हैं अभी अभी के टाइम में या पहले दोनों कर लेते हैं ना उस जमाने में आपको जब काम करती थी आई थिंक इन इन द पहले के श्रीदेवी टू तो बी गुड एट कॉमेडी शी डिड अ लॉट ऑफ कॉमेडी एंड और कौन और कौन और कौन फिल्मों की बात करना है आप जी, सब... जी, जी.

अच्छा आपने काफ़ी सारी सुपर हिट फिल्मों में काम किया है मतलब आप नाइन्टीज के तो लगभग सारी फिल्मों में थी लेकिन एक सा, एक सवाल जो आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या फिल्म का हिट होना और फ्लॉप होना आपके लिए मायने रखता था क्योंकि आप उसमें एक पार्ट होती थी इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती थी लेकिन ऐसा क्या ऐसा तो नहीं था कि आपने अपना रोल किया फीस लिया घर चले गए फिल्म हो, हिट ऑफ और फ्लॉप हो, मुझे नहीं पता सी इज हिट होती है तो सबको खुशी होती है इवन

So, Amir Khan to is like, People like God. In Did you have the opportunity to work with him? No, no. no with no. Amir Khan, I have not worked. Ah, but, but with Salman. Is a I worked with Salman, I have worked with all the others, but Amir Khan, ke ke I think you have worked with Shahrukh as well. Yes, Chamatkar. Chamat cha. How was your experience? Kaisa tampe very tampe nice. Tampe? He was new, new. He was also very down to earth. Like, ah. you know, very. Yeah. And uh, of course, that time he was new, new, but he was very sweet.

क्यों लेट आते हो नहीं प्रोड्यूसर पूछे ना मेरा क्या चारा, हम तो बैठे मजे मारते थे अच्छा गोविंद आए नहीं? ओके चलो पत्ते खेलते हैं जब आएंगे बता देना हम तो रेडी हैं सो द तो आती हिम्मत नहीं होतीबडीज टू काइंड ऑफ एडजस्ट हिज लेट कमिंग बिकॉज जैसे आता था He was quick in his work, but that does not justify it. I would not justify is it. Punctuality, else. Yes. Punctuality is something that you have to be on time. Like, so part you know, of a discipline. discipline. Uh, so, what was going on? So, what was I think us, us, So, you, the us, producer just signed that he was strong hona because yeah. most of the time, yes, he used to be late. यान फॉर दैट एंड आई थिंक उसी की वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनके करियर में भी कहीं ना कहीं इवेंचुअली yeah, event पहले के प्रोड्यूसर्स हमारे डायरेक्टर्स हैं यू नो चलो भाई ठीक है अच्छा yeah. बट आजकल इट इज सो लाइक मोर लाइक अ कार्पोरेट commitment and punctuality right ki bhai time pe shoot shuru ho time pe like you know

कपिल शर्मा 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 बट उसी के शो में सिद्धार्थ सागर था लड़का गुड बट अभी नहीं दिख रहा है अभी का जो कॉमेडी है क्या आपको देखना अच्छा लगता पहले के कॉमेडी को हम फैमिली बैठकर एंजॉय कर सकती थी कॉमेडी का सब्जेक्ट थोड़ा आई थिंक नहीं अभी भी ठीक है है थोड़ा एक लिवेज बट बट आई 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 थिंक इट्स नाइस नाइस नाउ यू यू या या गिव अ ग्रीन सिग्नल यस यस दिस कपिल कपिल शर्मा शो ये जो अभी आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो सब वो चल रहा है हाँ। अच्छा आप क्यों नहीं किसी शो को जज करती किसी कॉमेडी शो को आप तो इतनी बड़ी कॉमेडी की हुई है कभी आपको ऑफर आया मुझे ऑफर नहीं आया है आप किसी को जानते हैं तो ऑफर दिलवा दो प्लीज बोलिए ना सब देखते <laughs> हैं हमारे चैनल को हाँ अगर अगर मुझे ऑफर मिला तो आप जरूर मुझे

और आप मुझे पर्सनल लाइफ के बारे में तो थोड़ा बताएंगी पर्सनल लाइफ बहुत बोरिंग है यार नथिंग बस काम uh, करती हूँ अपने मर्जी के हिसाब से कि ओके दैट अच्छा कोई प्रोजेक्ट मिला तो किया अभी आए फिनिश्ड विद यशराज की ओटीटी के लिए है विजय सिक्सटी नाइन उसके पहले मैंने मिस्टर मम्मी की hmm. फिर पहले अभी मैं सीरियल्स वगैरह नहीं करती एंड yeah. बीच में मैंने थिएटर ट्राई किया थिएटर बंद फर्स्ट टाइम मैंने थिएटर ट्राई किया आई थिंक दिस टू समथिंग, साल दो साल किया फिर हम फिर करोना का बच्चा आ गया बीच में <laughs> और सब बंद हो गया तो वो ब्रेक हुआ फिर अभी शुरू हुआ है बट दैट आई रियली एन्जॉयट बिकॉज मैं मुझे राकेश बेदी का फोन आया hmm. कि गुडू uh, प्ले करेगी प्ले ऐसे नहीं यार छोड़ क्या इतना इसको रिहर्सल करो ये करो एक्चुअली मेरे अंदर से बहुत डरती थी बिकॉज प्ले इज़ लाइक यू नो डायरेक्ट वन टाइम यू डोंट रीटेक एंड ऑल दैट अच्छा नहीं राकेश वॉड एफ आई मैस यू नो नहीं तू जाना चाह जा के खाली रमन जी को मिल आई एम टेलिंग रमन जी यूर कमिंग यूर डूइंग इट अच्छा अच्छा यू गो फॉर द रिहर्सल डू इट इफ यू डोंट लाइक इन नहीं करना आई वेंट फॉर द रिहर्सल इतनी डरी हुई थी ना बिकॉज फर्स्ट टाइम आई वॉज डूइंग प्ले कि स्क्रिप्ट मिली मुझे ओके फाइन और मैंने इतना दो दिन में उसको रट लिया हिब्स कर लिया एंड द थर्ड डे आई वेंट फोर्थ डे ऑन द फोर्थ डे ऑफ रिहर्सल मेरा स्क्रिप्ट छोड़ दिया था मैंने एंड किशोर मर्चेंट एंड दिलना रानी एंड एवरीबडी सिंग माई गॉड यू लेव द नो इट माई हार्टिया तो बोली हम लोग को तो दो दो हफ्ते तीन दिन मतलब एक एक महीने रिहर्सल के बाद हम स्क्रिप्ट छोड़ते हैं तो फिर जब मैंने किया प्ले मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई साइट इन्जॉय इट एंड देन ऑन द ऑन द स्टेज ओनली यू नो एक तो रिस्पॉन्स मालूम पड़ता है उसके बाद अपना एक्सटेम्पो कुछ भी एंड लाइक यू नो फिर बहुत मज़ा आया मुझे करने में तो एक घबराहट जो थी ना दैट इनिशियल मेंटल ब्लॉक हाय व्हाट इफ आई मैस आप कभी मैं उसे डायलॉग गल, गलत तो वो सब दूर हो गया तो चलो आज मैं कह सकती हूँ बीन देर डन दैट ऑल्सो यू डिड वन Very famous show in the year 1995. If I'm not wrong, Lori. Uh, Sorry, okay. Mary Lori. Yeah. What about oh, okay. that show? Oh, Buhut God. बहुत मजेदार शो था. That was something. That was no script. हाँ. मैं और विजय शिरजी. हाँ. अभी दिस विजय 69 में ही is also there. Okay. तो so he met आफ्टर me after he was यार, तुझे याद है हाउ वी असड यस विजय मतलब विजयेश आई रिमेंबर कि हाउ वी यूज टू डू एक एक आठ आठ एपिसोड एक दिन में हमारा सेगमेंट विदाउट स्क्रिप्ट एंड बस वो कुछ बड़बड़ करें मैं कुछ उसके ऊपर बोलूं और हमारा हाँ. ऐसे ही यू नो इम्प्रोम्प्टो इम्प्रोम्प्टो तो आई सेड रियली दैट वाज समथिंग वाओ और know, पहले क्या फिल्मों में भी आ, मैंने एक इंटरव्यू में सुना है कि आ, आ,

Hmm. कि आप uh, <coughs> uh, अपना uh, क्या कहते हैं कि करो कुछ, like, you know? right. uh, कुछ अच्छा yeah. शुरू किया करना तो यार देर तो hmm. ये लिखा यही बोलना है ah. फिर हम कट, करेंगे हम कट कैसे करेंगे करोगे तुमको देखना है वो देन यू नो यूर सो रिस्ट्रिक्टेड राइट फिर नहीं नहीं वो फिर चैनल से आ जाएगा ये गॉड ठीक है क्या करना है बोलो

एंड डायलॉग बोल रहे हैं बिकॉज यू नॉट गेटिंग अ रिएक्शन यू नो आपने बोला उसका रिएक्शन तो चाहिए ना कुछ तो मेरे को बहुत आई यूस टू नॉट बी कम्फर्टेबल विद इट बट अब तो अब तो ना आई एम ओके विद इट कि ठीक है या कि हॉलीवुड के भी एक्टर्स को देना पड़ता है भाई सो नाउ आई अंडरस्टैंड वाई दिस थिंग इज कि जो स्पेशली स्टार्टेड विद ऑल दीज सीस कि जो चैनल में बैठे हैं ये लोग बस पढ़ाई करके आ गए हैं इन्होंने mm. फिल्म इंडस्ट्री पढ़ाई नहीं की है जी. कि हु इज अ गुड्डी मारुति हाउ मच वर्क है शी डन शी डन और पहले ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था ना mm. बस एक फोन आ जाता बहलाद जी का या डेविड का yeah. क्या क्या कर रही है परसों तरसों हाँ फ्री है अच्छा आ जाना ये तो क्या ऑडिशन क्या एग्रीमेंट कुछ नहीं mm. बस जस्ट अ कॉल तो अब ये है कि दे वॉन्ट टू सी कि वो कैरेक्टर में Looked ये कैसे लगे हाँ. हाँ तो आई गेस ठीक है It's like हाँ, अब I'm comfortable समय with. के साथ चीजें बदलती, बदलती हैं। है।, 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 cinema है। is also with time. yes. right. अरे what's that craziest thing your fan has ever done? Do you remember that? कोई ऐसा फैन हो जिसने बहुत crazy चीज किया हो कोई याद हो? हाय हाय हमारे लिए भी करते नहीं सिर्फ हीरोइनों हीरोइनों के लिए होता है आप यार। आपके लिए बहुत हुए हैं। नहीं ऐसे crazy तो कोई नहीं है हाँ भाई कभी गिफ्ट दे दिया किसी ने ये सब वो तो दैट्स नॉट क्रेजी बट क्रेजी जैसे खून में लिख के लटर वटर ऐसा कोई बंदा मिला नहीं मुझे लवली लवली सो आप वो तो नहीं मिला लेकिन आपके लिए जो है खून के आंसू रोते हैं क्या आपके हस्बैंड जो है वो हो गया खुश रहते हैं जरा उनके बारे में बताइए माय हस्बैंड इज मोस्ट चिल्ड या ओके काम करना है करो नहीं करना है मत करो चिल्ड अब ही सेज लाइक like, you know, अब

ऐसा गया। <laughs> गया। right? no, okay. okay. लगता था हाई मेरे को बच्चे नहीं हैं ये नहीं है right. जरूरत थी तो काम करना ही था मुझे like, you know? so, मैरिज किया फिर उसके बाद पाँच एक साल मैंने इंडस्ट्री भी आई टुक अ ब्रेक आई कंसीव को बट मिसकैरेज हुआ एंड बिकॉज आई वॉज स्टिल वर्किंग तो फिर इसलिए काम भी बंद करके आई आई थॉट कि भाई चलो इस पर कॉन्सेंट्रेट बट नहीं हुआ देन माई हस्बेंड सर तुम इतने अपने आप को स्ट्रेस नहीं करो होगा तो ठीक नहीं होगा तो भी ठीक नहींवन यू मैन यू क्रॉस अ सर्टन एज इट्स लाइक यू नो यू यू वॉन्ट टू डू इट बट यू नो मे बी यूर इन यो मतलब जैसे मेरा यू नो यू नीड यूर स्पेस सो एक ऐज होता है वो ट्वेंटी फाइव थर्टी इसलिए मैं सबसे ये कहूँगी कि हाँ भाई काम जरूरी है बट इफ़ यू आर आर रियली फ्राउंड ऑफ किड्स भाई वो एज के अंदर कर लो बिकॉज mm देन -hmm. आपको अपना स्पेस चाहिए आई डोन्ट नो मेंटली यू विल बी एडजस्टिंग कि हाँ भाई यू गेटिंग अ लाइफ इन टू योर लाइफ सो so, उसको वो प्यार वो एक अटेंशन वो आप दे पाओगे नहीं दे पाओगे वो सब ध्यान रखते हुए अडॉप्शन के लिए सोचना चाहिए सो आई गेस इट रियली हैपन बिकॉज मैं अपने बारे में ही खाली नहीं सोच सकती जी। देर आर दर फैमिली मेम्बर्स नाउ तो माई हजबेंड एंड माई सेल्फ आ देयर अच्छा बट पहले भी सोचना पड़ता है ना कि भाई वो एक्सेप्टेंस सब सब करेंगे अगर so, तो नहीं करेंगे दैट्स नॉट फेयर ऑन दैट चाइल्ड देन टेंशन लो।, uh. टेंशन, लो। <laughs> टेंशन लो चलो जॉब मिल गई वेरी गुड वेरी गुड फिर शादी का टेंशन लो फिर ये सोचो की भाई बहु अच्छी आएगी नहीं आएगी या क्या कहते हैं मेरी डॉटर को हसब अच्छा मिलेगा <laughs> फिर उसके बाद उनके बच्चे होंगे फिर उनके बच्चों को संभालो। यू आर वेरी तो बोले, अच्छा चलो इसलिए गॉड ने बोला कि चलो इसको बच्चे ही नहीं दो। मोस्ट ऑफ़ नाउ कीपिंग पेट्स। कि बच्चे नहीं हम डॉग रख, रख लेते हैं uh. you know, are so much. मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में शादी भी yeah, करेगी uh. जो आजकल सब लड़कियां भी कमा कमा रही अच्छी खासी है ना कौन सुनेगा हम लोग ने सुन लिया सास बहू एंड ऑल दैट हो चुका ड्रामा लाइफ में पीपल एंड फ्रीडम नाउ यस अच्छा आपने कॉमेडी में तो बहुत तड़का लगाया है hmm. लेकिन उसके साथ साथ जैसे देख सकते हैं कि आज दुनिया एक सोशल मीडिया का है डिजिटलाइजेशन mm -hmm. हो गया है एंड mm -hmm. uh, तो आज के समय में आप अगर देखो तो हर आर्टिस्ट का एक आलिया भट्ट का भी यूट्यूब चैनल है बाई द वे इतनी बड़ी okay. आर्टिस्ट हैं लेकिन उनका यूट्यूब चैनल है वो वहाँ भी आती हैं कभी कभी अपनी डी करती हैं सो so, आपको लगता है कि आप एक कुकून में है एक शेल में है आपको भी थोड़ा सा यू नो शेल से बाहर आना चाहिए एंड ट्राई आउट न्यू थिंग्स एंड यू नो मे बी आई गेस आई कैन बट आई एम नॉट सो जिसको कहते हैं ना नेट सैवी एंड स्टाफ एंड येस मैनी पीपल है दिस कि आप क्यों नहीं करते हो ये क्यों नहीं करते हो यूट्यूब पे अपना बिकॉज आई लाइक टू कुक आई लाइक टू डू डिफरेंट यू नो गार्डनिंग ये वो एंड ऑल दैट तो बोले आप क्यों नहीं करते हो बट आई एम नॉट सो सैवी अब मैं जैसे मैं हम कहीं भी जाते थे ना अपने प्ले के लिए सपोज हम गए जयपुर गए एंड ऑल पर खाना आया खाना हम तो ऐसे कुत्ते की तरह खाना शुरू कर देंगे बट ये जो हमारे साथ में थे किशोर मर्चेंट एंड चित्राशी एंड रुको 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 क्या है भाई फोटो लेने, <laughs> लेने। <laughs> क्यों भाई तो इंस्टाग्राम पे डालना है तो भाई मेरे वो, वो सब नहीं होता अभी कभी प्रोडक्शन हाउस खोलूँ अपना कोई अकेडमी खोलूँ something like i don't see know. i was so busy with my work right okay and uh, opening a production house and all is like jaise urta hua teer <laughs> pakdo aur bhai uh. so <laughs> pressure lena nahi chahti thi main i think you work and, and yes 40 saal apne yes. bahut kaam kiya behtareen kaam kiya now you want to like rest and enjoy and explore travel travel and

कि मजे करो एंड यू नो इन्जॉय द वॉट यू आर डूइंग इन्जॉय फैमिली लाइफ ऑल्सो लुक आफ्टर योर पेरेंट्स इफ़ यू हैव लाइक यू नो इफ आई नो आज कल काफ़ी लोग काफ़ी बच्चे तो uh, माँ बाप से दूर रहते हैं दे कम हम यू नो आउटसाइड टू वर्क इन मुंबई एंड ऑल बट बी कनेक्टेड टू योर फैमिली और खुश रहो बस यही बोलूँगी शी वॉज गुड डी मारूती लवली इंटरव्यू आई थिंक आप सबको भी ये देख कर मज़ा आया होगा एंड प्लीज टेट यूड एंड लेट एस नो इन द कामेंट सेक्शन हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस इंटरव्यू ऑलसो नेक्स्ट कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका इंटरव्यू देखना आप पसंद करेंगे ऑन दैट नो प्लीज़ टेक केयर रखें अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल थैंक यू दिस वॉज मी नी रॉय साइनिंग ऑफ थैंक यू